हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं R15 का पूरा डिटेल। और आज की वीडियो में हम आपको R15 का पूरा डिटेल दिखाएंगे दोस्तों, और वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना, R15 की पूरी डिटेल आपको मिलेगी दोस्तों। किस तरीके से R15 को आप यूज कर सकते हैं और किस तरीके से गाड़ी को मतलब काफ़ी अच्छा लुक वाइज बनाया गया है, देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा लुक वाइज बनाया गया है दोस्तों। आज हम आपको दिखाने वाले हैं R15 की पूरी वीडियो विद डिटेल के साथ में कि किस तरीके से R15 को मतलब यूज किया जाता है और किस तरीके से गाड़ी को आप चला सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं ये आपके ठीक सामने दो गाड़ियां लगी हुई हैं, ये बराबर में R15 V4 है जो ब्लू कलर की है दोस्तों, और ये R15 का M मॉडल लगा हुआ है दोस्तों जो वाइट और ब्लू मिक्स है। देख सकते हैं इसमें दोस्तों काफ़ी मतलब अच्छा लुक है दोनों गाड़ियों का, R15 V4 और M में देख सकते हैं कितना प्यारा लुक दोनों गाड़ियों का दिखाई दे रहा है। और दोनों की कलर की अगर दोस्तों बात की जाए तो बड़ा ही प्यारा कलर है दोस्तों। आगे की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। देख सकते हैं दोनों के जो व्हील हैं दोस्तों, देख सकते हैं वो ब्लू कलर के हैं, दोनों के जो व्हील हैं वो ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात की जाए इनके शॉकर की दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो R15 V4 है इसके जो शॉकर हैं वो ब्लैक कलर के हैं दोस्तों। शॉकर दोनों में ही देख सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर को हैं, लेकिन इसमें देख सकते हैं आप ब्लैक कलर के शॉकर हैं R15 V4 में। और दोस्तों R15 M में देख सकते हैं इसमें यहाँ पर ये येलो कलर के शॉकर मिल जाते हैं जो कि काफ़ी मतलब अच्छा लुक है और काफ़ी एक देखा जाए तो बड़ा ही प्यारा कॉम्बिनेशन है और बड़ी ही खूबसूरती इस चीज़ से गाड़ी की दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा लुक है R15 M का भी। और दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे ये इंडिकेटर की, तो R15 M में जो इंडिकेटर हैं वो देख सकते हैं इस तरीके के आते हैं, और R15 V4 में जो इंडिकेटर आते हैं वो इस तरीके के आते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। और इधर की बॉडी मैं आपको M की दिखा देता हूँ, ये जो कंडीशन है R15 M की, दोनों की कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ये R15 V4 की कंडीशन है, साइड वाली जो कंडीशन है ब्लू कलर की, और ये आप देख सकते हैं सामने ये इधर की जो कंडीशन है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर दोस्तों बात की जाए सीट प्लान की, तो दोनों की सीट प्लान सेम है दोस्तों, देख सकते हैं सीट दोनों की आपको दिखाई दे रही होंगी दोस्तों। और ये यहाँ पर फ्यूल टैंक हो गया दोस्तों दोनों का, ये सामने दिखाई दे रहा है जो कि ये यहाँ पे R15 V4 का ब्लू टैंक है और ये R15 M का। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ से, ये देख सकते हैं पीछे के जो व्हील है वो भी दोनों ब्लू कलर के हैं, R15 M और R15 V4 में दोनों में ही ब्लू कलर के शॉकर पाए जाते हैं जो कि काफ़ी दोनों गाड़ियों में जो पीछे के जो व्हील है वो ब्लू कलर के पाए जाते हैं दोस्तों। वो काफ़ी अच्छा मतलब लुक बना हुआ है जो कि अपने आप में एक काफ़ी अच्छा मतलब लुक बन लग रहा है गाड़ी का दोस्तों। अगर साइलेंसर की बात की जाए तो ये सामने जो R15 M का जो साइलेंसर है यहाँ देख सकते हैं, इसके ऊपर जो साइलेंसर के ऊपर जो प्लेट लगी हुई है वो ग्रे, ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है सामने इस कलर की जो है मेटल में। और यहाँ पे आप R15 V4 की अगर बात करें तो V4 में दोस्तों ब्लैक कलर का जो कवर्ड है साइलेंसर के ऊपर वो लगा हुआ है। और दोस्तों अगर आगे की बात की जाए तो आगे के वीडियो में हम और भी जानकारी आपको देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये फुटलेस वगैरह सेम है दोनों में, पीछे का मटकाट वगैरह जो लगा हुआ है वो भी दोनों में सेम है R15 V4 और M में। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे इनके मीटर वगैरह की, तो दोस्तों देख सकते हैं दोनों का मीटर भी इस तरीके से जो मैं आपको दिखा दूँ, ये है सामने ये R15 M का मॉडल है जो कि इसका मीटर जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये, और ये R15 V4 का मॉडल है दोस्तों जो कि इसका मीटर कुछ इस तरीके से है। और हैंडल की अगर बात की जाए काफ़ी अच्छी तरीके से कंफर्टेबल हैंडल है जो कि गाड़ी चलाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और दोस्तों ऐसा ही इधर देख सकते हैं, यहाँ अगर बात की जाए हैंडल में, तो यहाँ पे V4 में जो इस तरीके की जो यहाँ बोल्ट होते हैं ये इसी तरीके से जो दिखाई दे रहे हैं ये कलर है। और M में देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो लगा हुआ है वो दोस्तों काफ़ी अच्छा मतलब इसमें मैच कर रहा है। पावर की अगर बटन की जाए बात, तो ये पावर का बटन है, इसी से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। और दोनों गाड़ियों में चारों इंडिकेटर को एक साथ आप जला सकते हैं दोनों में, जो कि काफ़ी अच्छा अपने आप में एक लुक बनता है दोस्तों। पीछे की अगर बात की जाए, पीछे की भी कंडीशन सेम है, देख सकते हैं यहाँ से पीछे की सीट वगैरह सब सेम है। और ये
दोनों गाड़ियों की डिटेल्स और भी हैं, जैसे कि अगर माइलेज की बात की जाए काफ़ी अच्छा माइलेज है, और दोस्तों लुक की अगर बात की जाए तो लुक भी काफ़ी अच्छा है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा क्रेज बनाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लुक देखने को मिलता है दोस्तों, और माइलेज भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अगर बात की जाए जैसे कि मतलब जो है चलाने की, तो चलाने में भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और दोनों ही गाड़ी अपना अपना लुक अलग जब चलती हैं रोड पे तो काफ़ी अच्छा लुक दोस्तों बनता है। तो मेरे हिसाब से आर्बन फाइव गाड़ी का इस समय मार्केट वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है, तो आप अगर आर्बन फाइव या एक स्पोर्ट्स गाड़ी को अगर आप पसंद करते हो तो बड़ी ही कम कीमत में, मतलब अच्छी मीडियम कीमत में एक स्पोर्ट्स बाइक आर्बन फाइव का आप आनंद ले सकते हैं, जो भी बड़ा प्यारा इस समय पे इसका मार्केट और सभी लोगों के दिल में ये भाई हुई है, कम कीमत में बड़ी ही प्यारी गाड़ी है दोस्तों। तो आपको और भी वीडियो जैसे देखनी हो तो मेरे चैनल पे जाके और वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों, कितना आप जमा करके गाड़ी ले सकते हैं, किस तरीके से आप गाड़ी को डाउन पेमेंट पे ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से गाड़ी ले सकते हैं, आगे की वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके दोस्तों देख लेना। और दोस्तों अगर यहाँ इन गाड़ियों की प्रोजेक्टर की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्टर भी काफ़ी अच्छा हैवी लगा हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं इसमें प्रोजेक्टर लाइट देने लगे हैं अब दोनों में, और ये साइड में इंडिकेट जो है, जो मतलब ये चलते समय जो लाइट जलती हैं तो साइड वाली जो लाइट है वो काफ़ी अच्छा क्रेज छोड़ती हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप भी एक स्पोर्ट्स बाइक के लिए अगर पसंद करते हो तो इस समय आर्बन फाइव मीडियम रेंज में आपके लिए एक किफ़ायती गाड़ी है, जो मतलब आप आराम से ले सकते हैं और बड़ा ही आनंद आता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।